Hello students, welcome to the channel Entrance Exam Guide. So guys, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं MSCET Law 2022 application form के बारे में. जी हाँ गाइस, आप लोग का जो MSCET Law 2022 का जो application form है 5 years LLB course का, वो यहाँ पे release हो चुका है. अब किस तरह से application form fill करना है, क्या step by step procedure है, official link कहाँ से मिलेगी, हर एक चीज detail में discuss करेंगे आज इस वीडियो में. सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करना. आपके सामने यहाँ पे इस तरह का जो इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज, और नीचे आएंगे यहाँ पे नोटिफिकेशन कॉलम दिखा देगा, जहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि आपका एप्लीकेशन 5 ईयर्स एलएलबी कोर्स के लिए रिलीज हो चुका है. लिंक दे दी गई है, 3 ईयर्स एलएलबी कोर्स का 24 मार्च को रिलीज होगा, उसके ऊपर भी एक वीडियो गाइस आपको मिल जाएगा. इस लिंक पे क्लिक करना, आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन इस पर क्लिक कर देना होगा. क्लिक करते आपके सामने यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको सारे इंस्ट्रक्शन दे दिए एप्लीकेशन फीस, एप्लीकेशन फॉर्म्स के रिगार्डिंग, सारे इंस्ट्रक्शन देख लेना. आई हैव रीड पे क्लिक करके आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना होगा. जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते गए आपके सामने यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा. अब आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल करनी है, जो भी डिटेल्स आपको यहाँ पे पूछी जा रही है, सारी के सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर देनी होगी. लाइक आपके फादर का नाम, आपके मदर माता जी का नाम आपको एंटर कर देना होगा. देन गाइस यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, जेंडर आपको री एंटर करना है, यहाँ पे कंफर्मेशन कर देना है जेंडर री एंटर करके. फिर गाइस यहाँ पे आप लोगों को जो अपना बजट एंटर कर देना होगा, बजट एंटर करने के बाद आपको अपना रिलीजन एंटर कर देना है, देन किस रिलीजन से आप बिलोंग करते हो वो सेलेक्ट करना होगा, मदर टंग आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद गाइस नेशनलिटी, देन गाइस आपको यहाँ पे अपना एड्रेस एंटर कर देना होगा. फिर उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना होगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है, तालुका विलेज हो गया, पिन कोड आपको अपना यहाँ पे एंटर कर देना होगा. सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद सिंपली गाइस आपको नीचे यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, आपका जो भी ईमेल एड्रेस रहेगा. एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं xyz@gmail.com एंटर कर देता हूँ, लेकिन आपको अपना वैलिड ईमेल एड्रेस एंटर करना होगा. सिंपली आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है, एज परमानेंट एड्रेस यस एंड नो में आंसर देना है. फिर उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को जो एक पासवर्ड एंटर कर देना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं पासवर्ड आप जो भी चाहे अपने हिसाब से यहाँ पे जो है पासवर्ड एंटर कर सकते हैं, वही पासवर्ड नीचे यहाँ पे री एंटर कर देना है कंफर्मेशन पर्पस के लिए. फिर यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है सेम कैप्चा गाइस आप लोगों को यहाँ पे एंटर कर देना होगा, एंड सिंपली सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है. जैसे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे सारी डिटेल्स आप लोगों की यहाँ पे अगर सही रहेगी गाइस, तो उसके बाद यहाँ पे मैंने जैसे कि सारी डिटेल्स करेक्ट नहीं है किस वजह से यहाँ पे मुझे इशू आ रहा है, लेकिन सारी डिटेल्स करेक्ट रहेगी तो उसके बाद देख सकते हैं आपको एक OTP आ जाएगा. आपको सिंपली OTP एंटर करना है, आपके मोबाइल पे ईमेल एड्रेस पे OTP आ जाएगा. OTP वेरीफाई करने के बाद आप लोग अपने अकाउंट में लॉग इन हो जाएंगे, सारे पेंडिंग डिटेल्स आपको फिल कर देना है. पेंडिंग डिटेल्स फिल करने के बाद गाइस फिर आप लोगों को जो है आपका एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, एप्लीकेशन फी पे करना है, आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा. इनकेस कोई प्रॉब्लम फेस होता है, कोई भी इशू होता है, आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम ज़रूर आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे. इसी के साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल नॉलेजेबल रहा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए. थैंक यू फ्रेंड्स.